कृषि मंत्री, और इन्होंने कृषि मंत्री के नाते ही बोला, ये तो वैसे और भी विभागों के मंत्री हैं, मैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट भी है जो बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, बहुत 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 महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। श्री गणेश जोशी जी और हमारे पशुपालन विभाग के मंत्री श्री सौरभ बहुगुणा जी, हमारे मुख्य सचिव श्री संधू साहब, श्री मीनाक्षी सुंदरम जी, श्री पुरुषोत्तम जी, श्री पंकज पांडे जी, सिंगल साहब, हमारे आचार्य जी, थोड़ी जी, सिंघानिया जी और अजय जी, सभी ने अपनी बात रखी और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर टाटा वालों ने भी रखी, अमूल वालों से सोडी जी ने तो बहुत ही अच्छा संबोधन किया यहाँ से, और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, मैं समझता हूँ कि काफी ज्ञान हो गया। तो सोडी जी, ज्ञान बहुत हो गया ना पिछले लगभग 2 घंटे हो गए हैं, और 2 घंटे से सब सुन ही रहे हैं, और सब ने जो है एक से एक ज्ञानियों ने यहाँ से बात करी है। अब उसमें और ऐड कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा कुछ नहीं, मैं अब उससे थोड़ा हटके आ जाता हूँ आप लोगों के साथ। अब एक तो हमने रखा है एडवांटेज उत्तराखंड, और संधू साहब ने बहुत विस्तार से शुरू में बताया कि उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाएंगे तो क्या क्या फायदा होगा। एक तो इन्होंने जो सबसे बड़ी बात करी पर्यावरण की और बिजली की, तो पर्यावरण के बारे में देखिए, अभी आप सब लोगों में से बहुत सारे लोग दिल्ली से आए होंगे, या दिल्ली में रहते होंगे या नहीं भी रहते होंगे तो घूम फिर के दिल्ली आ जाते होंगे, और हमको भी अभी इस बीच दौरान में जब वो MCT के चुनाव हो रहे थे तो दिल्ली में काफी दिनों तक रहना पड़ा, आना पड़ा, जाना पड़ा। तो एक दिन मैं प्रातःकाल 6:30 बजे, मेरी आदत है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, तो मैं वहां दिल्ली में भी आ गया, उत्तराखंड सदन में नीचे आया तो वहां के एक कर्मचारी ने मुझे कहा, साहब कहाँ जा रहे हैं आप इतने सवेरे, क्योंकि मेरी आदत है मैं घूमने निकल जाता हूँ, एक किसी को ले लेता हूँ साथ में, चूंकि वो जरूरी होता है, वो भी शादी वर्दी में, कोई उसको अलग से वर्दी वगैरह अगर पहने तो पता लग जाता है, तो मैं अपना मास्क वास्क लगा लेता हूँ, मफलर ओढ़ के और ऐसे अपना। तो मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ नेहरू पार्क में, दिल्ली में रहता तो अक्सर जाता हूँ वहाँ। बोला साहब बिल्कुल मत जाइए अभी आप। मैंने कहा क्यों भाई? बोला आप उत्तराखंड की आदत के होंगे, वहां तो लोग सवेरे से घूमते हैं और बड़ा अच्छा पर्यावरण रहता है, अच्छा पॉल्यूशन का लेवल बहुत हल्का है, वहां है ही नहीं पॉल्यूशन, यहाँ तो बहुत हाई पॉल्यूशन है। अभी ये दीपावली के तुरंत बाद में गया था आचार्य जी, तो मैंने कहा तो क्या नहीं जाते हैं क्या लोग आजकल घूमने? तो बोला नहीं साहब आजकल बिल्कुल नहीं जा रहे हैं, और जाते भी हैं तो जब धूप निकल जाती तब जाते हैं। बोला पूरा जैसा मतलब वो जो पराली का और उसका और सब जो आया था उसके कारण से, हालांकि अभी थोड़ा कम हो गया है, इस बार में गया तो अभी थोड़ा कम है पहले से। कितना था मीनाक्षी जी हम लोग डाप रहे थे? लगभग 250 के आसपास, 370 ना? अभी थोड़ा और कम होगा है? कम है थोड़ा, 270 के आसपास कुछ बता रहे थे, मैं पूछते रहता हूँ। अब यहाँ घूमेंगे आप तो बिल्कुल आपको लगेगा, और मेरा सच बताऊं तो पता नहीं रात में, मैं ये बात अभी भी ने कहा कि थोड़ा मैं हटके बता रहा हूँ आपसे, तो रात को हालांकि 10 बजे तक वहाँ रात में हमारी मीटिंग होती थी, पब्लिक मीटिंग, और 11:30 बजे तक हम पहुँचते थे अपने उत्तराखंड सदन वापस। तो 4-5 दिन में वहां तो कुछ नहीं हुआ, जब मैं यहाँ आया तो तब मुझे लगा कि मेरा जो है गला ही चोक हो रहा है, सब सर्दी लग गई, क्या हो गया, नाक बह रही है। तो लोगों ने कहा कि ये जो है उसका इफेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि दिल्ली में रहेंगे नहीं लोग,
लेकिन उत्तराखंड में रहेंगे तो आपको जो है तो एक तो ये फायदा है सबसे बड़ा। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि भाई हमारा जो राज्य है वो हर प्रकार से इंडस्ट्री फ्रेंडली। अभी हम लोग फिल्म में तो हमको मिला ही था ना पुरुषोत्तम जी, पहला फिल्म वाले में, फिल्म जो उसमें तो हमको पहला अवार्ड मिला है। तो हम लोग ये चाहते हैं आप सबके सहयोग से, हमारे आचार्य जी जो इतना बड़ा पतंजलि उसके माध्यम से लगातार हर्बल पार्क, नए नए प्लांट, और इनके जन्मदिन पर हम गए थे तो क्या करा था आपने, 51 क्या था वो आचार्य, 51 इन्होंने जो है बड़ी बड़ी अलग अलग पुस्तकें वहां पर हम लोगों से विमोचित करवाई, पता नहीं कहाँ कहाँ का। और इनकी यात्रा भी हुई अभी एक, उसमें भी ये बड़ा उत्तराखंड की खोज के लिए कितने अनाम चोटियों पर, तो हम भी गए थे इनके पीछे पीछे थोड़ी दूर तक इनको छोड़ने के लिए, जल्दी आ जाना करके वहां से आप। तो ऐसे अनेकों कार्य जो है यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, और उत्तराखंड हमारा जहाँ धर्म का, संस्कृति का, अध्यात्म का विश्व केंद्र होने के साथ साथ जो प्राकृतिक हमारे संसाधन है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है उससे भी पूरी तरह से आच्छादित है। जहाँ देखिए बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, चारों धाम यहाँ है, गंगा जी, यमुना जी, अनेकों अनेकों नदियां यहाँ से जो प्रवाहमान रहती हैं, 12 महीने ही बह रही, उधर से काली, फिर आके उसमें गोरी, काली गंगा, गोरी गंगा, फिर जो है उसमें सरयू मिलती है, राम गंगा मिलती हैं, आगे आकर फिर जो है वो शारदा बन जाती हैं, कोसी बह रही है उधर को, अनेकों अनेकों नदियां पर्वतों से आच्छादित है। भारत सरकार ने इस बार पर्वतमाला कार्यक्रम शुरू किया तो सबसे अधिक हम ही लोगों को खुशी हुई। चंदू साहब हमारे NHAI में रहे तो इन्होंने यहाँ इतनी रोडों के बारे में बता रहे थे, और इनके साथ साथ मुझे भी उतनी रोडें याद हैं, क्योंकि मैं जब एक विधायक के रूप में भी मैं लगातार इनके टच में रहता था, इनसे कहता था साहब आप यहाँ बना दीजिए, आप वहाँ बना दीजिए, यहाँ कर दीजिए, तो इनका भी विशेष लगाव था। तो उसके कारण से हमारे यहाँ पर चार धाम की सारी सड़कें हमारी बन गई हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद ऑल वेदर रोडें बनी हैं, वनों से आच्छादित है। सोडी साहब हमारे यहाँ पर 71% वनों से आच्छादित है। टोटल जो हमारा एरिया है 71% फॉरेस्ट है, नदियां हैं, पर्वत हैं, वनों से आच्छादित है, और हर प्रकार का यहाँ पर सौंदर्य है। तो अपने आप में मैं समझता हूँ कि वियतनाम वाले आए हैं वो हमारा जो यह है स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा सुंदर है उत्तराखंड। तो उसको सुसज्जित करने के लिए हमारे यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में और फूड प्रोसेसिंग में, फूड उत्पादन में, चाहे वो एप्पल हो, चाहे कीवी हो, या हमारे अन्य जो परंपरागत रूप से जिनके बारे में गणेश जोशी जी ने बहुत विस्तार से यहाँ पर बात करी, उन सब में बहुत अपार संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली से बहुत नज़दीक है, देश की राजधानी से। अभी जो एलिवेटेड रोड बन रही है, तो एलिवेटेड रोड बनने के बाद आप लोग जो लोग सब लोग यहाँ जॉली ग्रांट आए होंगे, ज़्यादातर लोग जॉली ग्रांट आए होंगे, और जो रोज़मर्रा के आने जाने वाले हो गए होंगे वो तो अब हवाई यात्रा कम ही पकड़ रहे हैं, और आने वाले समय में तो बिल्कुल ही मतलब बंद ही हो जाएगी। मतलब सेवा तो चलती रहेगी लेकिन लोगों का आना जाना कम होगा, जो बम्बई से आ रहे होंगे,
या हैदराबाद से आ रहे होंगे, बेंगलोर से आ रहे होंगे, या देश के किसी अन्य कोने से आ रहे होंगे, तो वो आएंगे। लेकिन दिल्ली से देहरादून आने के लिए, दिल्ली से हरिद्वार आने के लिए, दिल्ली से ऋषिकेश आने के लिए, मसूरी जाने के लिए, वो हवाई जहाज नहीं पकड़ेंगे। क्योंकि हवाई जहाज से आएंगे तो कम से कम उनको सब मिलाएंगे तो 4-5 घंटे लग जाएंगे। इतना लग जाएगा संधू सर? मीनाक्षी आप तो जाते रहते हैं, तो 4-5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले हमको जाना पड़ता है घर से, 1 घंटा फ्लाइट का मान लीजिए सब मिलाकर, 1 घंटा आने और जाने में, बाहर निकलने में, और 1 घंटा कम से कम जो आपका गंतव्य स्थान होगा वहां जाने के लिए लगेगा। और बाई रोड जब आएंगे तो आपकी गाड़ी होगी, आपका ही ड्राइवर होगा, आपका सामान भी उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा, तो आप सीधे रोड से आएंगे, सब जगह आसानी से पहुंच जाएंगे। और यहाँ से हमारे जहाँ पहले हरिद्वार हम लोग जाते थे, यहाँ से तो हरिद्वार जाना बड़ा कठिन था, जाम लग जाता था साहब, यहाँ 1-1 घंटे का जाम, और 45 मिनट की अब दूरी, 45 मिनट में हरिद्वार से देहरादून पहुंच जाते हैं, पहले 2-3 घंटे लगते थे। उससे आगे आप ये सिंगल साहब बैठे हैं, इनके यहाँ जसपुर जाने के लिए अब कई घंटे लगते थे, अब तो मैं समझता हूँ कि ये 3 घंटे में या 2.5 घंटे में यहीं पहुंच जाते होंगे, देखा। और अभी दिल्ली से जब आप वहाँ हल्द्वानी जाएंगे या रामनगर जाएंगे या रुद्रपुर जाएंगे, तो जहाँ रुद्रपुर का बाईपास बन रहा है, जो संधु साहब ने बताया, यहाँ रुद्रपुर वाला बाईपास है, रामपुर का बाईपास है, मुरादाबाद का बाईपास, तो ये सब जब पूरे के पूरे जब बन जाएंगे तो कनेक्टिविटी बड़ी आसान हो जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा पंतनगर का हवाई अड्डा है, पंतनगर का हवाई अड्डा भी वह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बने आने वाले समय में, क्योंकि पिछले दिनों कुछ उसकी जमीन को लेकर थोड़ा ठीक से उस पर काम जितना होना चाहिए था उतनी तेजी से नहीं हो पाया, लेकिन अब हम लोगों ने तय किया है। मैंने बीच में हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी से भेंट करी है और वह भी सहमत हैं, और हम लोग एक सर्वे भी उसका हो गया है, जल्दी ही उस पर काम हो जाएगा। तो उधर का जो बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है या सिटकुल पंतनगर, सितारगंज, महुआ खेड़ागंज, महुआ डाबरा, बाजपुर, आसपास के क्षेत्रों में वहाँ जाने के लिए भी, और पिथौरागढ़ का हवाई अड्डा चलाने के लिए भी हम लोग प्रयासरत रहे। तो बहुत सारे कामों पर, चूंकि अभी यहाँ पर जहाँ चर्चा हो रही है, तो ऐसे अनेक कामों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। कुमाऊँ से गढ़वाल की कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छी हो, एक रोड हमारी यहाँ पर ग्वालदम से, आप लोग जब उधर कर्णप्रयाग जाएंगे तो उससे आगे ग्वालदम है, ग्वालदम से शिमली और गरुड़ बागेश्वर होते हुए वो जलजीबी तक जाती है, यानी कि कैलाश मानसरोवर यात्रा भी जो है हमारी उसी रोड से आगे आने वाले समय में होगी। और इस बार टूरिज्म के क्षेत्र में जो हमारा एक रिकॉर्ड बना, पूरा रिकॉर्ड, 50 लाख के लगभग जो है चार धाम की यात्रा में श्रद्धालु और यात्री यहाँ आए, अपने आप में आज तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने संबोधन में वहां कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुंह से शब्द निकले वो कैसे शिव रूपी शब्द थे कि उनके मुंह से निकले। और इस बार की हमारी यात्रा भी अच्छी हो गई, हमारा GST भी 40% के लगभग बढ़ गया, और एक एक करके जैसे आप लोगों से आज विशेष क्षेत्र के लिए विशेष जो काम करने वाले हैं, फूड के क्षेत्र में, प्रोसेसिंग के क्षेत्र में, इस इंडस्ट्री के क्षेत्र में, डेयरी के क्षेत्र में, उन आप सब लोगों से हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सिंघानिया जी, और जो है वैसे हम सभी से बात कर रहे हैं। तो मैं तो कहूँ कि प्रधानमंत्री जी ने वहां से बोला, और बोलते ही अभी 1 साल ही हुआ है, 1 साल में हम लोगों को लग रहा है कि हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, तेजी से हम खड़े हो रहे हैं। अच्छा, जो एक वायुमंडल होता है, एक अच्छा वायुमंडल बन रहा है, अच्छा वातावरण तैयार हो रहा है। और पहले चूंकि 2 साल सभी जगह
महामारी के कारण विलंब रहा, महामारी के कारण से दिक्कत रही, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो बड़ी है, हमारी बेरोजगारी की जो दर है वह कम हुई है और हम उस क्षेत्र में काम कर ही रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से, क्योंकि आप लोगों का पूरे देश में अनेकों अनेकों स्थानों पर अपना काम भी है, मैं आप सब से यही कहना चाहता हूं कि परस्पर विश्वास के आधार पर हमारे जो कमिटमेंट्स हैं, जो हमारा हमारी सीख है, हमारा राज्य अभी 22 साल का हुआ है, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत चीज़ें करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और जो देश के प्रमुख राज्य हैं, देश के अग्रणी राज्य हैं, उन राज्यों में हमारी भी गिनती हो और उसके लिए हम सारी चीज़ें करना चाहते हैं। अभी मैं देश के विभिन्न स्थानों पर जहाँ भी जाता हूँ तो आबादी के हिसाब से भले ही हमारा राज्य 1,25,00,000 की आबादी का है, लेकिन पूरे देश में उत्तराखंड का जहाँ नाम आता है तो सब लोगों की एक आस्था, श्रद्धा, इस प्रकार का एक भाव उत्तराखंड राज्य के लिए निर्मित होता है। जो यहाँ पैदा हुआ है वो तो बहुत ही अच्छा है, उसके ऊपर तो भगवान की कृपा है ही है, और जिसको यहाँ जन्म लेने का अधिकार, जन्म लेने का सौभाग्य नहीं मिला लेकिन कर्म करने का सौभाग्य मिल गया, तो उस पर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। क्योंकि ये देवभूमि है, अभी पता नहीं किसी ने बोला था, मैं देख रहा था कि देवभूमि में आचार्य जी बोल रहे थे, अभी एक सांसद जी हमारे बागपत वाले आए थे एक दिन अचानक, सत्यपाल जी, तो उनका अचानक फोन आया कि मैं उत्तरकाशी से लौट रहा हूं तो आपसे भेंट करना चाह रहा था, अगर आप हैं तो भेंट करते हुए निकल जाता हूं। तो वही बताने लगे कि जब मैं उत्तराखंड में आता हूं तो मेरे अंदर एक नई ऊर्जा आ जाती है, मन में उत्साह आ जाता है। तो मैंने कहा आप और राज्यों में भी जाते होंगे तो वहां भी होता है क्या ऐसा, आपको दिल्ली से कहीं बाहर जाते हैं इसलिए तो नहीं होता है? तो बोले नहीं, ये भूमि जो है ये ऋषियों की भूमि है, ये योग की भूमि है, ये तप की भूमि है। बोले मैं अध्यात्म पर, धर्म पर, गीता पर, रामायण पर, वेदों पर, मैं सब पर बोलता हूं, आचार्य जी के तो बड़े नजदीक हूं। तो वो मुझे कहने लगे कि यह सब तब आता है जब व्यक्ति के जीवन में तपत्व आता है, तप आ जाता है, हम उसको जीते हैं तब हमको ये प्राप्ति होती है। लेकिन मैं उत्तराखंड आता हूं तो वो इसलिए होता है कि यहां पर वेदों के ग्रंथों के, गीता के, भागवत के, रामायण के इतने इतने मंत्र यहां पर गूंजे हैं, वो मंत्र कभी समाप्त नहीं होते, मंत्रों की जो ऊर्जा है वो हमेशा बनी रहती है, इसलिए ऐसा लगता है कि इस भूमि पर आकर अपने आप में एक ऊर्जा और उत्साह का वातावरण जो है बन जाता है, अपने शरीर में जो है वो सब चीजें कहीं ना कहीं इफेक्ट करती हैं। इसलिए व्यापार करिए, खूब करिए, देश में करिए, विदेश में करिए, क्योंकि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है, और अब ऐसा भारत बन रहा है जो भारत पहले दब्बू भारत 2014 से पहले, पिछलग्गू भारत, ऐसा भारत जो अपने हितों की भी बात वैश्विक मंचों पर दुनिया की आंखों में आंखें डाल के नहीं कर सकता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर एक भारतवासी के मन में एक भाव जो पैदा हुआ है, एक भाव जो जगाने का काम हुआ है कि अब दुनिया का कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में भारत दुनिया का नेतृत्व कर सकता है, भारतवासी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। इसके एक नहीं अनोखे अनोखे उदाहरण है। अभी अभी हमको बड़ा सौभाग्य मिला है कि G20 की हम लोगों को अध्यक्षता मिली है, पूरी दुनिया भारत को देखेगी, और जो लोकल फॉर ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल, जो प्रधानमंत्री जी के ये मंत्र हैं, ये शब्द हैं, ये पूरी दुनिया के अंदर जाएंगे,
और उत्तराखंड में भी हमको दो कार्यक्रम मिले, उत्तराखंड में भी हमको दो मीटिंगें यहां पर मिल रही है। ऐसे अनेकों क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज के अवसर पर आप सभी को आश्वस्त करता हूं, और बड़ा अच्छा, जब मीटिंग शुरू होती है तो शुरू शुरू में लग नहीं रहा था कि जो है इतना, जब मैंने आप लोगों को सबको यहां से बोलते हुए देखा, आपसे मिला, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज, चेहरों पर जो एक मैं कहूं कि गंभीरता दिखाई दी है, और जो आप लोगों ने स्नेह का भाव और आत्मीयता यहां पर आके हम सब के सामने आपका ये रखा है, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। आप सबका मैं बहुत हृदय की गहराइयों से आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आप सबको उत्तराखंड में काम के लिए भी और रहने के लिए भी, यहाँ के काम को आगे बढ़ाने के लिए, अपना योगदान देने के लिए, देवभूमि में भगवान का आशीर्वाद भी आप लोगों पर बना रहे, उसके लिए आप सभी को उत्तराखंड में आमंत्रित करता हूँ। और जो जैसा हम लोगों ने पहले ही बताया कि बहुत सारे जो इंडस्ट्री के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में जो भी हमको आवश्यक रूप से जिन चीज़ों को संशोधित करना है, जिनमें कुछ ऐड करना है, वो सब करने के लिए हम पहले से ही तैयार हैं। और जो हमारी लॉजिस्टिक पॉलिसी है वह भी हम लोग जल्दी ही ला रहे हैं, उसके लिए सारी चीज़ें हमारी तैयार हो गई हैं। इंडस्ट्री में भी जो पॉलिसी में हमें कुछ करना है, अभी मैंने प्रधानमंत्री जी से 3 दिन पहले भेंट करी थी, 2 दिन पहले, तो उनको कुछ हमारे यहाँ पर जल विद्युत के क्षेत्र में भी, माइक्रो हाइडिल, हाइडिल, इस क्षेत्र में भी हमारी 44 परियोजनाएं अभी लंबित पड़ी हुई हैं अनेकों जगह पर, उसमें भी अपार संभावनाएं हैं। आज चूंकि एक सेक्टर का, एक विशेष सेक्टर की ये हमारी आज मीट हुई है, आज हम लोगों का मिलन हुआ है, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उसमें भी हम नई पॉलिसी कुछ करने वाले हैं, टूरिज्म में भी हम नई पॉलिसी जल्दी ही लाने वाले हैं। तो कोशिश ये है कि हर क्षेत्र में हम लोग सीखते हुए, माने ये नहीं है कि सब परिपूर्ण है, हम हिंदुस्तान के जो हमारे अन्य राज्य हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है वहाँ के बारे में भी, और सोडी जी आपका तो हम धन्यवाद करते हैं कि आपने यहाँ से कहा और हमारे यहाँ की चीज़ों को जो है आगे बढ़ने में आपका और आपके सभी आए हुए सभी लोगों का विशेष रूप से योगदान रहेगा। तो पुनः एक बार सभी का धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।